क्या आप भी घर बैठे क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं? क्या आपके पास क्रिप्टो ट्रेडिंग की स्किल मौजूद नहीं है, फिर भी आप डॉलर्स में अर्निंग करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जहां पर ना सिर्फ रोजाना की बुनियाद पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, बल्कि आप प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करके भी डॉलर्स कमा सकते हैं। फैसला आपका है। उस एप्लीकेशन का नाम है बाइनेंस। बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जब भी कोई नया क्वाइन लॉन्च होता है तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई क्वाइन लॉन्च होता है तो सबसे पहले अगर आपने उसे राइट टाइम पे बाय कर लिया और जब उसकी प्राइस ऊपर जाती है आपने उसको बेच लिया तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, अभी मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और आपको मैं डेमो भी दूंगा कि कैसे प्रीवियस लॉन्च के साथ मैंने एक रीजनेबल प्रॉफिट अर्न किया और आप भी कर सकते हैं। लेकिन आज भी हम बाइनेंस के लॉन्च पूल के बारे में बात करेंगे जहां पर आने वाला एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है। दिन बहुत कम है, 3 दिन है आपके पास। अगर आपने उसको अवेल कर लिया तो आपको फ्री क्रिप्टो करेंसी के वो टोकन मिलेंगे और जैसे ही वो लॉन्च होगा उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, आप उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी कोई क्वाइन या टोकन लॉन्च होता है तो कहां पर होता है? लॉन्च पूल के ऊपर। लॉन्च पूल के लिए आपको बाइनेंस एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करनी पड़ेगी और ना सिर्फ इंस्टॉल करनी पड़ेगी बल्कि अपना वेरीफाइड अकाउंट भी साइन अप करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर वेरीफाइड अकाउंट कैसे साइन अप किया जाता है, तो भाई परेशानी की बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक को फॉलो करो। पूरी वीडियो बनाई है मैंने स्टेप बाय स्टेप के कैसे आप बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बना सकते हैं। अब जब बाइनेंस का वेरीफाइड अकाउंट बन गया, अब आप एलिजिबल हैं कि आप बाइनेंस के लॉन्च पूल से फायदा उठा सके। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है CATI। ये एक नया लॉन्च होने वाला टोकन है जो कि बाइनेंस पे लॉन्च होने लगा है कुछ ही दिनों के बाद, और अगर आपने इसे राइट टाइम पे बाय कर लिया या स्टैकिंग करके आपने इसे फ्री में हासिल कर लिया तो दोनों तरीके से आप इससे फायदा उठा सकते हैं। कैसे आप इससे फायदा उठा सकते हैं, ज्यादा थ्योरी में नहीं चलते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकली चल के देखते हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट से आप फायदा उठा सकते हैं। ले जी, हम आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पर आपने क्या करना है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे येलो कलर का आइकन बना है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे नाम के नीचे वेरीफाइड लिखा हुआ है। अगर तो आपका भी वेरीफाइड लिखा है, इसका मतलब है आप एलिजिबल हैं कि आप लॉन्च पूल से अर्निंग कर सकते हैं। अब जैसे ही नीचे आएंगे तो शॉर्टकट के नीचे लॉन्च पूल लिखा आ रहा है, लेकिन अगर आपका नहीं भी लिखा आ रहा तो परेशानी की बात नहीं है, आपने नीचे मोर सर्विसेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे आपने यहाँ पर नीचे आना स्टार्ट कर देना, और अगर आपको नीचे आते हुए भी वो लॉन्च पूल नहीं मिलता तो जो कि यहाँ पर मेरे सामने मौजूद है लॉन्च पूल अर्न के अंदर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर सर्च में आना है और यहाँ पर आके लिखना है लॉन्च। जैसे आप लॉन्च अभी लिखेंगे साथ ही लॉन्च पूल आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जब भी कोई नया टोकन लॉन्च होने लगता है तो वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाता है, और लॉन्च होने से पहले आप उसके अंदर स्टैकिंग करके फ्री में वो टोकन हासिल कर सकते हैं और जैसे ही वो लॉन्च हो आप उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। यहाँ पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारे लोग स्टैकिंग को जायज नहीं समझते। ये टोटली आपका फैसला है, मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा ना ही आपको फोर्स कर रहा हूं कि आपने ये काम करना है। बेसिकली दो तरीके होते हैं जब भी कोई क्वाइन लॉन्च होता है, यूजुअली मैं स्टैकिंग नहीं करता, और क्योंकि मैं शायद मेरे थोड़े से इख्तलाफ होंगे कि स्टैकिंग से बेहतर है कि आप जब ये लॉन्च हो इसको बाय कर ले, जब ये ऊपर प्राइस इसकी चल जाए आप इसे बेच दें। मेरी नजर में वो एक सिंपल सेफ और एक लीगल मेथड है, बाकी चॉइस आपकी है, जो आपका दिल करे आप कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर CATI यानी कि CATI एक नया टोकन लॉन्च होने लगा है। अच्छा जी, सबसे पहले स्टैकिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टैकिंग ये है कि आपके पास जो भी पैसे पड़े हुए हैं आपने वो कुछ दिनों के लिए बाउंड कर लिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 4 डेज है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सिर्फ आपको यही स्क्रीन नजर आए। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास स्टैक की दो ऑप्शन आ रही है, एक BNB पूल है, एक FTUSD पूल है। मीन्स अगर आपके पास BNB मौजूद है जो कि बाइनेंस की अपनी करेंसी है, डिजिटल करेंसी, अगर आपके पास वो मौजूद है तो आप उसके थ्रू स्टैकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप FTUSD के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो BNB रिकमेंडेड है। यहां पर लिखा आ रहा है कि 1 मिलियन पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी BNB पूल के अंदर इसको कर चुके हैं, ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, जबकि FTUSD के सिर्फ 81,000 है, बहुत कम।
उसके बाद आप इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर आएंगे। लेकिन प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के आने पहले पहले मैं आपको यहीं पर बता दूं कि स्टैकिंग कैसे करनी है, बाकी चीजें मैं बाद में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप BNB से करना चाहते हो, सबसे पहले आप लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करेंगे वो पूछ रहे भाई कितने BNB के साथ आप स्टैकिंग करना चाहते हैं। मिनिमम 0.01 होना चाहिए, तो आपने क्या करना है 0.01। आप इससे ज्यादा भी स्टैक कर सकते हैं, जितना ज्यादा स्टैक करेंगे उतने ज्यादा टोकन आपको मिलेंगे। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये जो भी इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई होती है ये हम डिवाइड करेंगे उन लोगों में जिन्होंने कुछ दिनों के लिए BNB यहाँ पर स्टैक किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं इसे लॉक करूंगा तो ये देखें जी सक्सेसफुली लॉक्ड BNB। अब क्या है जी, मैं भी लॉन्च पूल का पार्ट बन गया हूँ। यहाँ पर लिखा है जी परचेज कितने की 0.01, सिर्फ आपको समझाने के लिए सिखाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो एक दिन बाद आप कहते हो यार नहीं मैंने नहीं स्टैकिंग करनी, मैं इसे बाहर निकलना चाहता हूँ, तो ऊपर अनलॉक की ऑप्शन भी है। आप सिंपल अनलॉक पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा भाई कितने अनलॉक करने हैं, आप मैक्सिमम करके अनलॉक कर दें तो आप देखें जी BNB अनलॉक हो गया सक्सेसफुली। मींस इस लॉक का मतलब हर किस नहीं है, जैसे आप बैंक्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं ऐसा फिक्स डिपॉजिट यहां पर नहीं है। इसी वजह से ये ग्रे एरिया में है, आप इसको ना ही हराम कह सकते हो ना ही वो आप इस पर कोई फतवा लगा सकते हो, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है, आप जब चाहे इसको विड्रॉ भी कर सकते हो। जबकि बैंक्स के अंदर जो फिक्स डिपॉजिट के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है वो एक अलहदा चीज होती है, ठीक हो गया। बाकी अगेन आप किसी मुफ्ती से पूछिएगा, मैं मुफ्ती नहीं हूं। ये तो हो गया आप स्टैकिंग के थ्रू कैसे कमाते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। देखिए अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको पता होना चाहिए इस कॉइन की वर्थ क्या। अगर आपको कॉइन की वर्थ नहीं पता और आप अपना कीमती सरमाया इसके अंदर इसे बाय करके सेव कर लेते हैं, कल कोई ऊपर जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा, तो चांसेस हैं कि आपको लॉस होगा। सो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी वेबसाइट है, आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे सीधा वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट हो लाजमी उसको स्टडी करें ये है क्या। बेसिकली कैटा जो है इसका पूरा नाम कैटीजन है। बेसिकली ये मुझे लग रहा है कोई गेम टाइप होगी जिसमें ये कॉइन्स जो हैं यूज होंगे बाइंग एंड सेलिंग के लिए, ठीक है। खैर आप इसको तफसील में देख लीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर से मुराद ये है कि इस कॉइन की कितनी वर्थ होगी, टोटल कितने कॉइन्स मार्केट में आएंगे, सारी चीजें नामा माल व्हाइट पेपर के अंदर लिखा होता है। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो रिसर्च रिपोर्ट होती है, और ये बेसिकली बाइनेंस के एक्सपर्ट्स ने इस प्रोजेक्ट के बारे में की होती है, तभी ये प्रोजेक्ट पिक होता है कि हम इसको बाइनेंस के ऊपर लॉन्च करें या ना करें, ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले देख लेते हैं जी यहाँ पर अकैट थीम गेमिंग बोर्ड एंड प्लेटफॉर्म। बेसिकली ये गेमिंग बोर्ड है और किस थीम पे बनाया गया, कैट पे, इसके नाम से पता चल रहा है कैट आई मीन्स कैटिजन, ठीक है। कैटिजन इसका पूरा नाम है, CATI इसका सिंबल है जो कि क्रिप्टो के अंदर यूज होगा। उसके बारे में इसको अब जान लेते हैं, कैटिजन इज अ कैट थीम गेमिंग प्लेटफॉर्म, ओके फाइन। टेलीग्राम पे खेली जाती है, कैटिजन नेटिव यूटिलिटी एंड गवर्नेंस टोकन। बेसिकली ये टोकन है, टोकन और कॉइन में क्या फर्क है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। जो टोकन होता है उसकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती, जो कॉइन होता है उसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है। मीन्स ये किसी की ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, किसकी बना हुआ है वो आगे जाके इसकी तफसीलात भी हमें मिल जाती हैं, ठीक है जी। इन गेम करेंसी, ये इसकी यूटिलिटी बता रहा है कि भाई इन गेम करेंसी, मतलब गेम्स के अंदर कुछ चीजें बाइंग सेलिंग करनी होती है। गेम्स में आपको पता है आजकल गेम्स के अंदर भी आप चीजें परचेज कर लेते हो, घर बाय कर रहे हो, ग्रोसरी बाय कर रहे हो, बड़ी डिफरेंट तरह की गेम्स आई हुई हैं। मैंने ये गेम प्ले नहीं की, पर आप यहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं। कम्युनिटी गवर्निंग टोकन टू वोट अपकमिंग लॉन्च पूल प्रोजेक्ट, मतलब अपकमिंग जो लॉन्च पूल प्रोजेक्ट है अगर आप उसको वोट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। स्टैकिंग के थ्रू आप इसके कॉइन्स हासिल कर सकते हैं। खैर ये आप पढ़ लीजिएगा, कितना पैसा ये रेज कर चुका है, 2.8 बिलियन USD फ्रॉम सीड एंड स्ट्रेटेजिक राउंड्स, मतलब वर्थ अच्छी लग रही है। बट अगेन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट एक मालूमाती वीडियो है। बाय करना है नहीं करना है ये टोटली आपका फैसला होगा। यहाँ पर मजीद से रिलेटेड मालूमात लिखी है, टोकन कब रिलीज होगा, इसका क्या शेड्यूल होगा, किस टाइम पे जाके कौन सा इसमें एड ऑन होएगा, ये सारा लिखा है। Q1, Q3, Q2 क्या क्या होता जाएगा, ऑफिशियल ओपन बीटा, ठीक है जी। उसके बाद आगे 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 जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स लॉन्च होते जाते हैं, जैसे जैसे इन्होंने लिखा अगर वाकई ऐसा ऐसा हो तो चांसेस होते हैं कि करेंसी ऊपर जाएगी। लेकिन अगेन इसका आपको जो है ना वो फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी है, जो कि आप यहीं से कर सकते हो। ये रिसर्च रिपोर्ट बेसिकली बनाई होती है बाइनेंस के एक्सपर्ट लोगों ने। सो ये आप जब फ्री हो तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ट्यूटोरियल भी मौजूद है और डिटेल्ड रूल्स भी हैं, डिटेल रूल्स पे आते हैं, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। बेसिकली चीजें सेम ही होंगी, थोड़ा डिफरेंट अंदाज में लिखी होंगी।
सबसे पहले इंपॉर्टेंट, बाइनेंस विल बी द फर्स्ट प्लेटफॉर्म टू लिस्ट द टोकन मेंशन्ड हियरिन। कहने का मतलब यही टोकन अभी कहीं लॉन्च नहीं हुआ, सबसे पहले कहाँ लॉन्च हो रहा है, बाइनेंस के ऊपर। अगर कोई शख्स आपके आपको कहता है कि भाई मेरे पास ये टोकन पड़े हैं, मेरे से खरीद लो इतने के और ये इतनी प्राइस पे जाके लॉन्च होगा तो मैं प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना, खुद अपनी रिसर्च करनी, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बता दिया है, ठीक है जी। मजीद तफसीलात है, कब लिस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, मजीद सारी चीज़ें वही हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, ये वही डिटेल्स हैं, आपने इनको एक बार गो थ्रू कर लेना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे मैंने एक दिन के अंदर एक प्रीवियसली लॉन्च प्रोजेक्ट के अंदर उसकी बाइंग की और उसको बेच के डॉलर्स कमाए, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर वॉलेट के अंदर, वॉलेट के अंदर अगर मैं आऊँगा स्पॉट के अंदर, वॉलेट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये हिस्ट्री का बटन है, इस पर आएंगे और यहाँ पर ये ट्रेड्स में आ रहा होगा। अभी रिसेंटली जिसके बारे में मैं आपको बात करने लगा हूँ उसका नाम है POL, पोलकॉन, ठीक है जी। ये भी नीचे आ रहा होगा हमारे पास। अब ये देखें, ये भी मैंने अभी लॉन्च, ये भी रिसेंटली लॉन्च हुए थे और मैंने इन पे भी किसी पे $35 का प्रॉफिट हुआ एक घंटे के अंदर, किसी पे 60 का हुआ। जब भी कॉइन लॉन्च होता है उसको इमीडिएटली बाय कर लें। मैं ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, ये मैं वो कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया आइडिया, नुकसान भी हो सकता है फायदा भी हो सकता है। चलें जी, ये आ गया जी POL USDT। अच्छा जी, मैंने बाय कितने का किया था, मैंने इसकी जो प्राइस बाइंग की थी ये 0.3887, ये आप देख सकते हैं किस पे बाय हुआ है 0.3887 और इसकी मालियत कितनी बनती है तकरीबन आप यहाँ देख सकते हैं, ये $103 बन रही है, ये 896 बन रही है। कहने का मतलब ये मैंने $1000 का खरीदा था। अच्छा जी, $1000 का खरीदा, अब जब बेचा तो इसकी प्राइस कितनी थी 0.41, 0.388 पे बाय किया, 0.41 पे बेच दिया। ऊपर यहाँ पे डेट और टाइम भी लिखा आ रहा है, मतलब ये 13 नौ को बाय किया, 14 नौ को बेच दिया, कितना प्रॉफिट 1055, मतलब 24 घंटे के अंदर मैंने $55 कमा लिए। वैसे ये इससे ज़्यादा भी थे लेकिन उस टाइम मैंने इसे बेचा नहीं क्योंकि मेरी तवज्जो नहीं थी, मैं जब वापस आया तो ये वापस 55 पे आ गया था। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस होकर करेंगे तो मैं यहाँ पर $100 भी कमा सकता था। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।